हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे हैंड पेंटेड टसल्स। आपने हैंड पेंटेड दुपट्टे और सूट तो बहुत बनाए होंगे, तो क्यों ना आज कुछ नया हो जाए। इस तरह से बनाएंगे हम स्पैरो हैंगिंग टसल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए मैंने ले लिया है वाइट कलर का फैब्रिक लिया मैंने कॉटन का, और मैंने मोबाइल में ले ली है पिक स्पैरो की ट्रेस करने के लिए। अब मैं इस मोबाइल को रखूँगी इस कपड़े के नीचे, क्योंकि मुझे स्पैरो बनाने नहीं आती, तो मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ। और ये ट्रेस करने का बहुत आसान तरीका है, कपड़े के नीचे रखकर मैंने लाइट्स को कर दी ऑफ ताकि मुझे पिक बिल्कुल साफ दिखे, और मैं पेंसिल की मदद से इसके ऊपर आउटलाइन बना रही हूँ स्पैरो की। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं आपको आज फैब्रिक कलर यूज़ करने का तरीका भी बताऊँगी। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसको क्या बोलते हैं। पेंसिल से ट्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बन गई है स्पैरो की बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन। हम इसे पेंसिल से थोड़ा और डार्क कर लेंगे ताकि जब हम कलर करें तो हमें जाहिर हो कि आउटलाइन कहाँ है और कहाँ नहीं। अब इसके बाद हम ले लेंगे फैब्रिक कलर। फैब्रिक कलर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, बस होना चाहिए फैब्रिक कलर। और इसको हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ना पानी यूज़ किया है ना बाइंडर यूज़ किया है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि यार ये दोनों चीज़ें यूज़ करना लाजमी है। आप बिना पानी और बाइंडर के अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैं कलर को डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ फैब्रिक पर। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, पिंक येलो जो भी आपको पसंद हो इसमें फिल करने के लिए। मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया क्योंकि जो मैंने इस दुपट्टे का सूट बनाया है उसमें जो स्पैरो है उसका भी यही कलर है। अगर आप इस दुपट्टे की तरह सूट भी बनाना चाहते हैं तो अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर जाएं विजिट करें, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। इससे रिलेटेड बहुत सारी हैंड पेंटेड वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब हम इसके विंग्स में इस तरह से कलर फिल कर देंगे। ग्रीन कलर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिंक कलर, क्योंकि मैं मल्टी शेड की स्पैरो बना रही हूँ। आप चाहें तो एक ही कलर की बना सकते हैं, एक ही कलर फिल कर सकते हैं। ये कलर भी मैं ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ, मैं ना बाइंडर यूज़ कर रही हूँ ना पानी यूज़ कर रही हूँ। कलर अप्लाई करने के बाद मैंने ले लिया है गुट्टा। गुट्टा कौन ये सब पूछते हैं कि क्या होता है। ये आउटलाइन के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि इससे जो आउटलाइन है वो थोड़ी थिक होती है। इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं और ये आपको ऑनलाइन स्टोर्स पर मिलेंगी। मैं इसे इस तरह से आउटलाइन बनाऊँगी स्पैरो की। और आपको ये ख्याल करना होगा जब आपके फेवरेट कलर सूख जाए उसके बाद ही आपको उसको अप्लाई करना होगा, वरना ये भी मेल्ट हो जाए कलर्स के साथ। ये मैंने विंग्स की आउटलाइन बना ली है, अब मैं इसके अंदर फिल करूंगी येलो कलर।
इससे रिलेटेड वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। आप चाहें तो ये वीडियो देखकर अपना सूट बना सकते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा ईजी है। देखने में थोड़ा मुश्किल है पर जब आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आएगा और ये बिल्कुल आसान है। आप इसको सिर्फ 3 डेज़ के अंदर ही अंदर बना सकते हैं। फुल वीडियो चैनल पर अपलोड की गई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। विंग्स में कलर फिल करने के बाद मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ ग्लू। ग्लू अप्लाई करने के बाद मैंने ले लिए हैं छोटे से सितारे। सितारे भी आपको किसी भी लेस वाली शॉप से मिल जाएंगे आसानी से। विंग्स के लिए लेने हैं छोटे सितारे, बड़े सितारे नहीं। अगर बड़े सितारे लगाएंगे तो आपके विंग्स छुप जाएंगे। इसको फिल करने के बाद मैं पिंक के अंदर पिंक कलर के ही सितारे फिल करूँगी। अब इसी तरह से जहाँ जहाँ हमने कलर फिल किया है उसके अंदर हम कर देंगे सितारे ऐड। और यहाँ सितारों का काम हो गया है कंप्लीट। इसके बाद मैंने ले लिया है वाइट कलर का थ्रेड, उसमें मैं ग्रा लगा दूंगी। और मैंने ले ली है जरी की निडल। जरी या आर आप इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, हम इसे आर बोलते हैं। और ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। इसकी निडल हमें पतली वाली लेनी है और इसी तरह से हमें मोती इसमें लगाने हैं। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। अगर आपको ये यूज़ करने नहीं आती तो आप सुई धागे से भी लगा सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप इसी से ही लगाएं। बस ये है कि इससे लगाना थोड़ा आसान है और जल्दी लग जाते हैं। अगर आपको ये यूज़ करने नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करें, ये भी मैं आपको सिखा दूँगी। आप भी मेरी तरह सीख जाएंगे, एक मोती लगाएंगे और 4 और मोती निकाल देंगे कपड़े में से। खैर मजाक करते हैं हम साइड। और ये वाकई में इसको यूज़ करना ईजी है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 3-3 मोती फंसाकर इसमें लगा रही हूँ। देख सकते हैं ये हमारी स्पेरो हो गई कंप्लीट। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। इस स्पेरो को कड़क करने के लिए मैंने नीचे से बुकरम लगाया, जो हार्ड वाला होता है वो बुकरम लगाना है। पर वो बुकरम तब लगाना है सीक्वेंस से पहले। अगर सीक्वेंस के बाद आप बुकरम लगाएंगे तो इस तरह से जल जाएंगे। अब हम स्पेरो की शेप को कटिंग कर लेंगे। जो फालतू का कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे नेट का फैब्रिक दुपट्टे के लिए और ले लेंगे पर्ल बड़े वाले और कुछ मेटल के हैंगिंग। ये हैंगिंग भी आपको आराम से मिल जाएगी, आप कोई भी शेप पर ले सकते हैं। अब हम दुपट्टे के कोने पर सुई धागे से अप्लाई करेंगे इस पैरों को। मैंने सबसे पहले सुई में लगा लिया स्पेरो। स्पेरो लगाने के बाद बड़ा पर्ल का मोती लगाएंगे और उसके ऊपर लगाएंगे स्वान। अब इस हैंगिंग को हम लगा देंगे दुपट्टे के कोने पर। इस तरह की हैंगिंग हमें 4 बनानी है और 4 कोनों पर लगानी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लग रही है। व्यूज़ तो बहुत आते हैं पर ना कोई कमेंट करता है ना कोई वीडियो को लाइक करता है, पता नहीं क्यों।
और ये हमने इसको कर दिया है बिल्कुल पक्के तरीके से फिक्स। ज़्यादा टाइट नहीं करना है बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा ना हल्का सा भी छोड़ देना। और ये हो गया है कंप्लीट। इस तरह के सूट की वीडियो भी चैनल पे अपलोड की गई है, आप वो विज़िट करके देख सकते हैं। पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी सूट की, उसका दुपट्टा है। ये आ गया पूरा लुक टसल्स का। आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस दुपट्टे के सूट की मैंने पूरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, आप जाके वो भी देख सकते हैं। चलिए अब करते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।